बचपन में टॉम एंड जेरी बहुत देखता था एंड आई यूज्ड टू जस्ट वंडर कि मुझे कब मौका मिलेगा टू वर्क इन अ टॉम एंड जेरी काइंड ऑफ अ कार्टून. जब रुचि आई मेरे पास टेलिंग मी शी हैड दिस सब्जेक्ट, तो मैंने कहा मुझे करना क्या है, आई हैव टू डू डबिंग. शी सेड नहीं, तुम्हें डबिंग नहीं करनी, यू हैव टू डू एक्टिंग एंड डबिंग. आई सेड कार्टून में? शी सेड तू वैसे ही कार्टून है. तो वहाँ से शुरुआत हुई एंड हम डबिंग थिएटर में गए एंड स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑल द सीन्स. और मैं इस पिक्चर में थोड़ा इफेमिनेट हूँ. इफेमिनेट हूँ कैसे हूँ? सॉफ्ट नाजुक, बड़ा नाजुक हूँ. और थैंक गॉड रुचि ने वो शॉर्ट्स दिखाए नहीं ट्रेलर में जहाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ नाजुक के रोल्स. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बट वेटिंग टू सी द फिल्म एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू. अभी तो मेकिंग जारी है. नहीं यार. Was it difficult to convince Salman Khan to come on board to dub for the character? Honestly, when we were writing the script and everything, we had a wish list of actors who we wanted to approach for each character, and everyone we went to, starting with Chunky and Vinay, everybody said yes. And like I say, if someone wants to do something, there's only, you can't really convince them. Either they want to do it or they don't want to do it. So, you know, everyone who's done it was our first choice, and we are blessed and really lucky that, you know, they're all part of this film, and they've made it such an entertaining and fun ride that I can't wait for all of you to see it. So, you didn't tell us, how did you convince Salman to do it? Or he was already convinced? Honestly, when I told him first, his first reaction was, the damdar? Ye kya cheez hui? So, you know, I said, well, you know, damdar is because everyone knows he's strong and he has a lot of courage and dam. So that's why I want it to be the damdar. And the, because we are doing it in a very contemporary way where everyone can relate to it. So that's how it's the damdar. So he was like, okay. So I think, I mean, to me it looked like he really liked the approach of it. And when he heard the scenes and he heard the dialogue, he really got into it. He loved the whole contemporary flavor and the humorous, easy, fun approach. Recently, हमने आपको विलन के किरदार में देखा तो और यहाँ पर देखा कि आप कॉमेडी कर रहे हो, तो क्या विलन के किरदार को कंटिन्यू करने वाला है या फिर कॉमेडी वाला रूप फिर से दिखाई देगा आपका? देखो भाई, कॉमेडी तो कभी निकल नहीं सकती मुझ मेरे अंदर से. रग रग में है. ये बचापटी है कि नहीं? आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है. नहीं, ये मैंने काफी 2 साल हो गए ना इसकी डबिंग करके, और कॉमेडी तो कभी जाएगी नहीं मेरे अंदर से. लेकिन हाँ, अब एक थोड़ा ट्रैक बदली की मैंने. इट इज़ गोइंग टू बी अ विलन ट्रैक नाउ. और मैं एक बहुत बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ तेलुगु में भी, वेयर आई विल बी प्लेइंग अ सुपर विलन. फ्रॉम सुपर हीरो टू सुपर विलन. इसके रीमा लागू जी हमारे बीच नहीं रहे, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? चंकी सर, आपसे शुरुआत करना. इट्स अ वेरी सैड थिंग. मैं पर्सनली रीमा जी को नहीं जानता था, लेकिन मैंने बहुत फिल्में देखी उनकी. सलमान खान की मम्मी बनती थी हर काफ़ी फिल्मों में, एंड ग्रेट एक्ट्रेस, वेरी ब्यूटिफुल लेडी, बट मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई. आई विश आई मेट हर एंड वर्क्ड विद हर. गॉड ब्लेस हर सोल, वी ऑल प्रे फॉर हर. आपके बचपन का किरदार कुछ या कुछ यादें जुड़ी हैं या फिर मिलता जुलता है कोई कैरेक्टर? मेरे साथ तो बहुत ही Tell us the truth. प्रॉब्लम वाला स्टोरी है ये, बिकॉज ये जो कैरेक्टर इन्होंने लिखा था, ये वैसे पहले नाजुक था नहीं, ये था राजू गाइड. लेकिन जब मैं डबिंग थिएटर में पहुंचा तो मैं इनको एक किस्सा सुनाने लगा. जब मैं पैदा हुआ था उस दिन हॉस्पिटल में 18 लड़कियां और मैं अकेला लड़का पैदा हुआ. और मेरी मम्मी बहुत चाहती थी शी वुड हैव अ डॉटर. तो सब जो शॉपिंग की थी मम्मी ने, सब फॉर गर्ल्स. तो जब तक 2 साल की उम्र तक, माई मदर ऑलवेज ड्रेस्ड मी अप एज अ गर्ल. मेरे हर बचपन के फोटो में मैंने फ्रॉक पहने हैं. आई यूज टू हैव इयर रिंग्स एंड एवरीथिंग.
और आज भी जब मैं दुकान में जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए द फर्स्ट थिंग आई पिक अप आर लेडीज क्लोज और दुकानदार बोलता है सर दैट इज फॉर लेडीज आई से हाँ आई एम बाइंग फॉर माय वाइफ एंड डॉटर जस्ट जोकिंग नो आई एम नॉट जोकिंग वाकई आई मीन आई हैव गॉट अ वेरी सॉफ्ट साइड टू मी तो जब मैंने इनको ये किस्सा सुनाया दे सेड लेट्स मेक यू सॉफ्ट लेट्स मेक यू नाजुक और मैंने कुछ ऐसे बातें की हैं पिक्चर में बट यस दैट्स हाउ द कैरेक्टर केम आउट